डाकिनी की मौजूदगी का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के स्वरूपों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी साकिनी माता काली की सेविका होती है। माता काली से ही डाकिनी साकिनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकिनी साकिनी माता काली की प्रचंड, उग्र और कल्याणकारी तीनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह माना जाता है कि डाकिनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वतः प्रसन्न हो जाती है या उनकी उग्र तथा कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। आइए अब ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है डाकिनी साकिनी। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है स्थूल डाकिनी तथा दूसरा है सूक्ष्म डाकिनी। दोनों डाकिनियों के कार्य अलग अलग होते हैं। स्थूल रूपी डाकिनी जो होती है वो माता काली के प्रचंड उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे माना जाता है कि इसमें भी माता काली के समान ही प्रचंड उग्र शक्तियां होती है। स्थूल डाकिनी ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करती रहती है तथा स्थूल रूपी डाकिनी के रहने का स्थान प्राय सुनसान और पवित्र स्थान, खंडहर, नदी तालाब के किनारे, उजाड़ जगहों में अपने प्रचंड उग्र शक्तियों के साथ निवास करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी जो होती है वो माता काली के कल्याणकारी मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी सूक्ष्म रूपी डाकिनी जो होती है वो मोक्ष प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र, जो कि हमारे बिल्कुल जो मलद्वार है वहां पर होती है, के बीचों बीच में निवास करती है। आइए अब जान लेते हैं कि डाकिनी साधना क्यों की जाती है और डाकिनी साधना की सिद्धि कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले स्थूल डाकिनी की बात करेंगे। स्थूल रूपी डाकिनी की साधना साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है। स्थूल रूपी डाकिनी की सिद्धि से साधक को डाकिनी वह समस्त शक्तियां प्रदान करती है, जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक साधक अलौकिक शक्तियों को भी करने में सक्षम हो जाता है। स्थूल रूपी डाकिनी साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक चाहे तो वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म डाकिनी की। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राय निवास स्थान हमारे कुंडलिनी के मूलाधार चक्र में होती है, जिसके कारण ही हमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन में अनेक प्रकार के विचार निरंतर आते रहते हैं, जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकिनी की नेगेटिव यानी तामसिक प्रभाव को खत्म करके डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत करता है। सूक्ष्म डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति के जागृत हो जाने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता चला जाता है। आइए अब जान लेते हैं किस प्रकार की होती है डाकिनी साकिनी साधना। स्थूल रूपी डाकिनी साधना। स्थूल रूपी डाकिनी साधना की संपूर्ण विधि वाम मार्गी पद्धति से किया जाता है, यानी ये बिल्कुल तामसिक है, सात्विक बिल्कुल नहीं है। साधक को स्थूल रूपी डाकिनी की साधना करने के लिए सर्वप्रथम एक सर्वयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के आप इन कार्यों को नहीं सिद्ध कर सकते। ऐसा इसलिए है कि तांत्रिक शास्त्र में यह उल्लेख मिलता है कि स्थूल डाकिनी की शक्तियां बेहद प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक के द्वारा नियंत्रित करना बिल्कुल कठिन है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद होती है तो उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम हो जाता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी साधना के बारे में बात करें तो यह हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है। अतः साधक योग्य जानकार गुरु के दिशा निर्देश मार्गदर्शन से उच्च यौगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं से सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध किया जा सकता है और कर सकता है। कैसी होती है डाकिनी साकिनी का स्वरूप? तंत्र शास्त्र में स्थूल डाकिनी के स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार मिलती है कि स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए डरावने स्वरूप वाली होती है।
लेकिन यह डाकिनी साधक से सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में सामने आती है, ताकि साधक का साधना भंग हो जाए। उसके बाद जब साधक डाकिनी के सुंदर रूप के मुंह में नहीं आता, तत्पश्चात डाकिनी भयंकर डरावने स्वरूप के साथ साधक के सामने एकदम से प्रकट होती है और साधक को डराने का प्रयत्न करती है। डाकिनी साधना में सिद्धि प्राप्त करने का विषय विशेषकर स्थूल रूपी डाकिनी को सिद्ध करना तलवार की नोक में चलने की भांति जैसा कठिन कार्य है, क्योंकि स्थूल डाकिनी साधना को करने के लिए तो सर्वप्रथम योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, साथ ही साधक के मन में सांसारिकता प्रति समान भाव की भावना होना बेहद आवश्यक बताया गया है। तभी जाकर साधक डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को नियंत्रित कर धारण कर सकता है, अन्यथा यही शक्ति साधक के मृत्यु का कारण भी बन जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूक्ष्म डाकिनी सिद्धि की, तो इसके साधना हेतु भी एक योग्य जानकार गुरु की आवश्यकता होती है, तथा साधक का मन कर्म से लेकर संपूर्णतः में सात्विक भाव होना चाहिए। तब जाकर साधक अपने इंद्रियों को वश में कर उच्च यौगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं को करके सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध कर सकता है। अक्सर देखा और सुना गया है कि लोग डाकिनी डायन पिशाचिनी को समान मानते हैं, परंतु आप सभी को मैं बता दूं कि डायन पिशाचिनी की शक्ति डाकिनी की तुलना में निम्न स्तर की होती है। डाकिनी सीधे मां काली से जुड़ी होती है और डाकिनी की सिद्धि से प्राप्त शक्तियों से मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति भी प्रचंड होती है, जिनसे भी समस्त लौकिक चीजों को प्रभावित किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।